जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है पूरे देशवासियों से कि हर घर तिरंगा फहराया जाएगा 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। जैसा कि आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, ये भारत माता की परिधान में, और आप देख लीजिए कि यही तो हमारे देश की पहचान है, विविधता में एकता। आप देख सकते हैं कि पूरे कितने सारे बच्चे, आपको तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा होगा, और जो बच्चों ने ड्रेस धारण किया है, जो इनका परिधान है, वो भी तिरंगे की नज़र में ही आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना खूबसूरत नज़ारा ये, और हमारे देश की खूबसूरती भी यही है, यही हमारे देश की खूबसूरती बयां करती है। आप लोग देख सकते हैं कि भारत माता के परिधान में ये बच्ची खड़ी हुई है, पूरा तिरंगा से इनका वस्त्र जो है, इनका जो परिधान है, पूरा तिरंगे के रूप में नज़र आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि आपको नज़र जहाँ तक जाएगी पूरा तिरंगा ही तिरंगा नज़र आएगा। और यहाँ पे प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, तमाम सारे बच्चे हैं, तमाम सारे स्कूल के तमाम सारे टीचर यहाँ पे मौजूद हैं। आपको नज़र जिधर भी जाएगी, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमारे देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा नज़र आना चाहिए। जी बिल्कुल, आप देख सकते जी आप देख सकते हैं सारी तरफ। आपको थोड़ा सा इधर भी नज़र घुमा दीजिए, कैमरा इधर घुमाइए थोड़ा। प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी सहायता दे रहे हैं यहाँ पर तमाम सारे स्कूल। और इधर सबसे बड़ी चीज़ हम आपको और एक चीज़ दिखाएंगे, जो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है, विविधता में एकता। जो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है हमारा देश, आप देख सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप देख लीजिए, यही हमारे देश की पहचान है। हमारा देश इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, यही वजह कि सारे धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं, और सारे लोगों को अधिकार है कि आप किसी भी धर्म के लोग यहाँ पर रह सकते हैं। किसी भी धर्म के लोग तो कोई भी धर्म मान सकता है, यहाँ की इतनी आज़ादी हमारे देश में, सारे लोग ऐसे ही किसी भी धर्म को मानते हुए हमारे देश में रह सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे इनके ज़रिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सब लोग एक साथ हैं, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों को देख कर ये प्रतीत हो रहा होगा यहाँ पर तस्वीरें देख कर, और ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है हमारे देश में, खूबसूरत नज़ारा आपको नजर आ रहा होगा, और हवाएं भी चल रही है, कितना खूबसूरत मौसम है इस समय, आप देख सकते हैं नज़ारा, कितना बेहद खूबसूरत नज़ारा लग रहा है इस समय। देखिए आप लोग पूरा कितना खूबसूरत नज़ारा है इस समय। देश इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाए। जय हिंद, जय भारत।